जबलपुर में पुलिस ने महिलाओं के साथ हुई लूट की दो वारदातों का खुलासा करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी 19 से लेकर 24 साल के हैं और कैंट क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी चोरी और गांजा तस्करी के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। शौक पूरा करने के लिए इन लुटेरों ने एक नई गैंग बनाई थी। एसपी ने बताया कि 19 नवंबर को ओमती थाना क्षेत्र में और 27 नवंबर को गोरखपुर थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदातें हुई थी। इन्हीं आरोपियों ने दोनों वारदातों को अंजाम दिया है। इनके पास से सोने की दो चेन और बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी भी जब्त हुई है। उन्नीस से 24 के बीच में विशेष रूप से जो मुख्य आरोपी अगर मैं कहूंगा अमन बाल्मीक है, उनका पहले भी अपराधिक इतिहास रहा है। ये थाना कैंट और गोराजार में चोरी भी बंद है और थाना बरेला में भी ये ऑफेंस रजिस्टर्ड है। इनके साथ ही जो मोनिश खरे और हेमंत धानू और राहुल साहू, इनके साथ उन्होंने घटनाएं बैन की हैं और चारों लोगों की गिरफ्तारी में हो गई है। दोनों चेन इनसे बरामद हो गई है और घटना के जो एक एक्सेस टू व्हीलर है पुलिस ने बरामद की। इसमें कुल मिलाकर चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो इसमें इनका नाम है अमर